श्री अशोक गहलोत जी का स्वागत करें, साथ में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी हमारे पधार चुके हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सचिन पायलट जी का भी हम आप सभी की ओर से भोपाल में आयोजित हो रहे शपथ ग्रहण समारोह में स्वागत कर रहे हैं। चॉपर किधर से ऊपर चालू बता दो, हाँ चल ही रहा है। Thank you.
जिंदाबाद जिंदाबाद सिनेमा इंडिया जिंदाबाद 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 इंडिया भाई आप ही ने साइड पे उठा कांग्रेस के शपथ ग्रहण में आने का सिलसिला लगातार जारी और आप देखेंगे ये तमाम जो बड़े नेता हैं सूर्यवाला अशोक गहलोत सचिन पायलट भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजीव शुक्ला ये तमाम नेता आप देख सकते हैं कि एक बस में यहाँ पर चार्टर बस में आए हैं आनंद शर्मा है नवजोत सिंह सिद्धू है ये तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे और दिखा सकते हैं कि राज बब्बर जी सर ये तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं आप कि इन नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और अगर अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए ये नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं तमाम बड़े नेता हैं आप देखेंगे कि जो एक एक चार्टर्ड बस में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और भंवर जितेंद्र को आप देखेंगे वो यहाँ पर आए हैं अश्विनी जोशी हैं साथ में भंवर जितेंद्र सिंह जी सर 15 साल बाद सत्ता में वापस आई है कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर जी बिल्कुल आइए मैं बहुत बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश की जनता को देना चाहूँगा हमारे कांग्रेस के हर कार्यकर्ता देना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा सर क्या क्या कहेंगे 15 साल बाद वापसी हुई है बहुत खुशी है सारी बधाई वर्करों को वे वर्करों को बधाई और देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो एक चार्टर में यहाँ पहुँचे हुए थे और उसके बाद में जो शपथ ग्रहण समारोह में माना जा रहा था कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी देखी जाएगी यहाँ पर कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इसके अलावा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी यहाँ पहुँचे हैं और इसके अलावा हुड्डा आपने देखा तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये तमाम लोग जो एयरपोर्ट से चार्टर बस में यहाँ पर लाए गए थे और उसके बाद अब शपथ ग्रहण में शामिल हुए कमलनाथ के में तो कहना होगा कि एक शक्ति प्रदर्शन जो महागठबंधन की एक बात की जा रही थी कांग्रेस के इस शपथ ग्रहण समारोह में तीन राज्यों में सबसे भव्य शपथ ग्रहण समारोह कमलनाथ का समारोह कैमरामैन संतोष के साथ सुधीर डंडोतिया IBC 24 भोपाल पूर्व मुख्यमंत्री जोशी कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं सर एक तो बड़े लंबे समय बाद सत्ता परिवर्तन है क्या उम्मीद नई सरकार से क्या उम्मीद है सर यहां पर जो निकल नहीं पा रहा है सरकार से उम्मीद तो यही है कि अच्छी तरह से प्रदेश को चलाए अच्छी तरह चलाए क्या कहना चाहेंगे कमलनाथ जी को सर बीजेपी की सरकार लंबे समय तक रही अब कांग्रेस की सरकार है देखिए ये तो निर्णय होता है जनता का और जनता ने निर्णय किया सर क्या लगे हार के कारण इस बार बीजेपी के नहीं जनता की अपनी मर्जी है मतदाता ही फैसला करते हैं उन्होंने जो फैसला किया सबको स्वीकार करना है तो बीजेपी संगठन में कहाँ चूक हुई सर सरकार बनाने में सरकार बनाने में बीजेपी संगठन से कहीं चूक हुई सर हुई ना सर क्या क्या चूक थी सर चूक क्या थी सर कैलाश जोशी पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के बीजेपी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन में चूक हुई है इस बात को उन्होंने माना है कमलनाथ बेहतर काम करेंगे इस बात की उम्मीद उन्होंने जताई है कैमरामैन संतोष के साथ सुधीर डंडोतिया IBC 24 भोपाल
हमारे बीच में अभी अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री माननीय श्री एच डी कुमार स्वामी जी का आगमन हुआ है। हम मध्य प्रदेश में उनका स्वागत कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह है, कृपया शांति बनाए रखें। हमारे बीच में कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे, आदरणीय श्री कमलनाथ जी पधार चुके हैं। आप सभी की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियों से आइए अब अभिनंदन करें। अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण करने जा रहे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी तथा श्री राहुल गांधी जी का, आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायकों के नेता चुने गए आदरणीय श्री कमलनाथ जी अब अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन।
मंच पर तथा मंच से परे सभी आदरणीय देवी सज्जनों से निवेदन है कि कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ ही देर में माननीय राज्यपाल महोदया का हमारे बीच आगमन होने जा रहा है और औपचारिक रूप से आज के इस शपथ ग्रहण समारोह का आरंभ होगा। शपथ ग्रहण समारोह के शुभारंभ से पूर्व मंच पर तथा मंच से इतर सभी से विनम्र आग्रह कि आप कृपया सादर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रदेश के 18वें माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने के बाद आदरणीय श्री कमलनाथ जी तथा मंच पर उपस्थित सभी लोगों का एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा जो कल की मीडिया के लिए हेडलाइन होगा। आदरणीय देवियों सज्जनों, एक विनम्र सूचना आप सभी के लिए। शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री पर आदरणीय कमलनाथ जी आज इस सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी भी अपना उद्बोधन देंगे। तुरही वादन बिगुलर्स का वादन संकेत दे रहा है माननीय राज्यपाल महोदया के आगमन का। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि कृपया शांति बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर श्री कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण समारोह की अब शुरुआत हो रही है। माननीय राज्यपाल महोदया का हमारे बीच में आगमन हो चुका है। हम लोकतंत्र के शीर्ष प्रतिमानों में से एक प्रदेश मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में माननीय राज्यपाल जी का और आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। आइए अपने स्थान पर खड़े हों। राष्ट्रगान। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर अपना स्थान ग्रहण करें। देवी सज्जनों, आदर के साथ आमंत्रित मुख्य सचिव महोदय श्री बसंत प्रताप सिंह जी शपथ ग्रहण समारोह का संचालन करें। श्री बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश। माननीय राज्यपाल महोदया, कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदया, नियुक्त मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदया, कृपया अब आप नियुक्त मुख्यमंत्री को पद की शपथ ग्रहण कराएं। Thank you.
मैं कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कमलनाथ की जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित का प्रकट नहीं करूंगा। आज की कार्यवाही समाप्त करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? पहले बोल दो। हेलो, राष्ट्रगान। कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। राष्ट्रगान। बहुत बहुत धन्यवाद देवियों सज्जनों। अब माननीय राज्यपाल महोदया हमारे बीच से प्रस्थान कर रही हैं। कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री कमलनाथ तथा यहां उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी लोगों का एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा। देश भर से पधारे गणमान्य अतिथि, इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, परिजन, सभी का एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा।
आदरणीय देवी सज्जनों, आप सभी के सहयोग के लिए ग्रुप फोटोग्राफ के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी आपका आभार व्यक्त करेंगे। आदरणीय देवीय सज्जनों, चूंकि इसके बाद छत्तीसगढ़ का शपथ ग्रहण समारोह है, अल्पता है, इसलिए बिना किसी उद्बोधन के आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न हो रहा है। आप सभी के पधारने का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आप सभी से आग्रह है कि कृपया वापसी के समय मार्ग पर आहिस्ता वाहन चलाएं, सुरक्षित चलें, सुरक्षित वापस पहुंचें। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। आपको वापसी की यात्रा के लिए, घर वापस पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। For more updates, please subscribe 99TV Telugu.